महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होने हैं और इसके परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। इसी बीच सी वोटर का एक सर्वे सामने आया है। सी वोटर के इस सर्वे के अनुसार 51% लोगों ने ऐसी बात कही है जो महायुति सरकार की धड़कनें बढ़ा सकती है। सी वोटर के इस सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में किसका माहौल बन रहा है और किस गठबंधन का पलड़ा भारी है, आइए आंकड़ों के प्रयास से समझने की कोशिश करते हैं। सी वोटर के सर्वे में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये है कि जब लोगों से पूछा गया कि क्या उन्हें मौजूदा बीजेपी शिंदे सरकार से नाराजगी है और क्या वे इसे बदलना चाहते हैं, तो 51.3% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया। उन्होंने कहा हाँ हमें गुस्सा है और हम इस सरकार को बदलना चाहते हैं। वहीं 3.7% लोगों का कहना है कि हम गुस्सा हैं लेकिन हम इस सरकार को बदलना नहीं चाहते। वहीं 41.0% लोगों ने कहा कि गुस्सा नहीं है लेकिन नहीं बदलना चाहते, यानी 41% लोग फिर से बीजेपी शिंदे की सरकार चाहते हैं। 4% लोगों ने कहा कि वो इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। इससे बड़ी बात ये सामने आई है कि 51% से ज्यादा लोगों में मौजूदा सरकार को लेकर गुस्सा है और वो इसे बदलना चाहते हैं। वहीं महाराष्ट्र के लोगों से जब पूछा गया कि सीएम पद के लिए उनकी पसंद कौन है तो 27.6% लोगों ने एकनाथ शिंदे का नाम लिया, जबकि 22.9% लोगों ने उद्धव ठाकरे के नाम पर हामी भरी और सर्वे में उद्धव ठाकरे दूसरे नंबर पर रहे। देवेंद्र फडणवीस को 10.8% लोगों ने अपनी पसंद बताया, साथ ही 5.9% लोगों ने शरद पवार तो 3.1% लोगों ने अजीत पवार को अपनी पसंद बताया। फिलहाल देखा जाए तो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो सर्वे सामने आया है इसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति को बड़ा झटका लगा है। वहीं देखा जाए तो सीएम पद को लेकर एकनाथ शिंदे भले ही आगे हैं लेकिन उद्धव ठाकरे भी उनसे ज्यादा पीछे नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव के नतीजे क्या होते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।